लगने वाली है, देन उसका प्रोसेस कभी कैसे था, क्या क्या था, वो सब बात करूंगा। देन 11th एडमिशन के बारे में बात करूंगा, देन मैं आइडल के बारे में बात करूंगा, आइडल का एडमिशन और एग्जाम के रिलेटेड बारे में बात करूंगा। ओके, देन उसके बारे में हम जानेंगे कि JEE और नीट NTA सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या डिसीजन चालू है और पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। देन लास्ट में हम जानेंगे कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी जो चेंजेस हुई थी उसके बाद हाल ही में हमारे मिनिस्टर्स ने, एजुकेशन मिनिस्टर और जो हमारे एजुकेशन बड़े बड़े मीन्स जो सपोर्टर्स है जिनके कारण हमारे एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है फिर बदलती है फिर उसके सेशन से चलती है, उन्होंने एक हाल ही में डिस्कशंस किया था कि हमारा जो एजुकेशन ईयर होगा वो चेंज होगा, जो पहले जून से लेके मार्च तक होता था, अप्रैल तक होता था, उसको चेंजेस करके हम जनवरी से दिसंबर करेंगे। वो कैसे क्या होगा, कब होगा, उसके बारे में हम वीडियो के एंड तक जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में। मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चालू है। ओके, जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे पहले ही चांस दे दिया है, डायमंड चांस हो गया, गोल्डन चांस हो गया, सारे चांस हो गए, खत्म हो गए, कल के दिन ही सारे चांस खत्म हो गए आपके। अब आपके लगेगी मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगेगी आपको 24 को। उसके पहले ही मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा, मैं उसके वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट लिस्ट आपको कहाँ चेक करनी है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है। ओके, उसका वीडियो मैं बना दूंगा, चैनल बने रहिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th के बारे में। 11th एडमिशन तो आज के दिन मीन्स 22 अगस्त 2020 को इसका खत्म हो रहा है। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो रहा है, आज के पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग भी खत्म हो रहा है, देन आज के सेकंड फॉर्म भी खत्म हो रहा है, मीन्स आज का डेट अपने लास्ट जो करना है आज ही करिए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ओके, बड़े कर दीजिए। देन बात करते हैं आईडॉल के बारे में। आईडॉल, ओके, डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारे बच्चे इतने मीन्स डरे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अब हम आगे क्या करें, बिकॉज आईडॉल की तरफ से कुछ नोटिस नहीं आ रहा, कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है। ओके, कि बहुत सारे बच्चे मुझे भी कमेंट करते हो, मेरे बहुत सारे बच्चे मीन्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो भी मुझे पूछते हैं अब हम क्या करें, हमें कुछ पता ही नहीं है एग्जाम कब होगा, एडमिशन कब होगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ आप, सेप्टेम्बर के महीने में या फिर आने वाले मंडे ट्यूजडे में आपको पता चल जाएगा कि कब और कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि आइडल भी अभी परेशान है, क्योंकि उन्हें अभी जो FY/SY TY के स्टूडेंट है उनके एग्जाम कैसे कैसे कंडक्ट करने हैं, कब कंडक्ट करने हैं। ओके, वो सब की जो होती है ना मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इसके लिए आपका जो एडमिशन एग्जाम का प्रोसेस होने वाला एडमिशन एग्जाम उनका प्रोसेस स्टॉप किया है और आने वाले समय में हो जाएगा, सितंबर के महीने में हो ही जाएगा दोस्तों। उसकी अपडेट मैं आपके चैनल पर दे दूंगा, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ओके, अब बात करें JEE और नीट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और NTA ने मिलकर जो डिसीजन निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा और एग्जाम सितंबर के महीने में मीन्स नॉर्मल जो पहले का शेड्यूल था उसके ऊपर ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन ही नहीं की थी और बहुत बच्चे और पेरेंट्स ऐसा बोल रहे कि आप एग्जाम पोस्टपोन करो, और बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी कहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए, हमारे नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट किए कि आप कुछ कीजिए, JEE और नीट के लिए एग्जाम पोस्टपोन करवा दीजिए। ओके, मीन्स अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे अगर कुछ इसके ऊपर अपडेट आ रही है एग्जाम का पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप चैनल बने रहिए। ओके, देन हम बात करते हैं अब लास्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ओके, इसके बारे में आपको पहले ही पता चल गया कि इसमें क्या चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने देखा रहेगा तो आपको इससे समझा होगा, नहीं देखा तो अब देखा भी जाकर देख लीजिए। ओके, फिर अब इस बार क्या चेंजेस हुआ, जो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स है, ओके, वे कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन ईयर में चेंजेस लानी है। ओके, आपका एजुकेशन ईयर कौन सा होता था, जून से लेके अप्रैल मार्च तक होता था। ओके, अब जो एजुकेशन ईयर होने वाला है वो होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब ये प्रोसेस क्यों लाया गया बीच में, बिकॉज ऑफ कोविड 19 केस इतने भारी है कि मैं थोड़ा भी कोई एकदम ग्रुप बन जाए, उसमें से एक को हो जाए वो 100 को फैला देगा, इतनी पावरफुल है। तो इसके लिए जब तक जीरो केस नहीं होता तब तक कोई एजुकेशन चालू नहीं होगा, क्योंकि एक एजुकेशन और स्कूल ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ जमा होती है, सेकेंडरी होता है मंदिर। ओके, इस बारे में भी गवर्नमेंट सोचा है, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोचा है कि हम एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट,
बदल देंगे, मीन जनवरी से हम अपना 2021 स्टार्ट कर देंगे, जनवरी के मंथ से लेके तो दिसंबर में खत्म होगा ये प्रोसेस होगा। अभी तक मीन्स इसके बारे में बातें चालू है, बातें छेड़े जा रही है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हम करेंगे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा मैं फटाफट से इसको वीडियो बना दूंगा, टाइम टू टाइम के बाद अपडेट पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो मेरे इधर ही खत्म हो रही है, फिर भी आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ अपडेट चाहिए मुझसे कमेंट मुझे कमेंट से बता दीजिए कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये जानना है, तो मैं फटाफट से वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।